हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको फिजिक्स रिलेटेड सारी जानकारी समय समय पर दी जाती है। सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम की डेट, बाकी शेड्यूल भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर बताया जाता है। तो आपको पता है, जैसे कि JNU का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मुझे लगा मुझे फार्मूला रिविज़न सीरीज़ को कम्प्लीट करना चाहिए। तो मैं इस सीरीज़ का अगला पार्ट रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फार्मूलाज को कवर कर रहा हूँ। ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी भी जल्दी ही रिलीज़ होगा। यदि आपने मेरे पहले के फॉर्मूलाज रिवीजन की सीरीज़ नहीं देखी है, तो उसे आप ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट अपलोड कर दूँगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह की वीडियोज़ बना पाऊँगा। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम आपका आने वाला ही है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसकी फॉर्मूला की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कवर करेंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपन आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल करंट आपको जिसमें ध्यान रखनी है वो क्या होती है, IN प्लस IH होती है। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स अपन से पहले, तो उसमें अपन को दोनों तरफ की करंट देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी होती है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो टोटल दोनों करंट का क्या होती है, सम होती है। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। जैसा कि आपको पता है ओम्स लॉ, आपको पता है V इज्वल टू IR होता है, जहाँ पर वोल्टेज होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसकी एक अनदर फॉर्म भी होती है, जो करंट डेंसिटी वाली होती है, J इज्वल टू सिग्मा ई। आपको ये वाली फॉर्म भी इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको जो इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, वो है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इन दोनों ही फॉर्मूलाज को आप ध्यान रख लीजिए, इनकी इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज काफ़ी सिंपल हैं, ट्रिक वाइज आप इनको ध्यान रख लीजिए। जैसे R ऑफ A अगर आपको निकालना है, इट इज़ R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 RV, इन सिक्वेंस में ये चलते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करके सर्किट सोल्व आप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है, वो है थर्मल वोल्टेज का। तो VT इज इक्वल टू होता है T/11600। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी केल्विन में आएगी। इसके बाद अगली चीज़ जो है वो है डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। तो जो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो वो लाइट एमिट करता है, और इनडायरेक्ट केस में वो हीट एमिट करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, वो भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सेमीकंडक्टर होता है। इसके बाद यहाँ पे अपन ने दो केस ले रखे हैं, एक तो 0 केल्विन के लिए, एक 300 केल्विन के लिए। तो आपको दोनों केल्विन के लिए बैंड गैप की वैल्यू आपको इसमें ध्यान रखनी है, जर्मेनियम के केस में और सिलिकन के केस में। फिर इंसुलेटर के लिए आपको पता है कि बैंड गैप की जो वैल्यू होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कंडक्शन बैंड खाली रहता है। और जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होती है, इसलिए कम टेम्परेचर पे भी या फिर 0 टेम्परेचर पे भी इसमें कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आपको एक इसमें ई की वैल्यू भी ध्यान रखनी है, दैट इज V/L होती है। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान रखना है, वो है Q = 1/2 mv². इसकी हेल्प से अपन इसमें निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके लिए बहुत काम आने वाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, 100/2qv/n। इसकी यूनिट भी आपसे पूछी जा सकती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है m/s। इसके बाद अगली टर्म जो आपको ध्यान रखनी है, वो है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो VD/E होता है। इसकी यूनिट भी पूछी जाती है बहुत से एग्जाम्स में, दैट इज m²/v², ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है, वो होल्स की कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद आपको इसमें DN/μN = dP/μP, इस रिलेशन को भी आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर डी डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और जो मोबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटेगी। इसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी अपन 3 केस में देख सकते हैं। फर्स्ट केस अपन जब ले रहे हैं, जब विदाउट स्केटरिंग वाला केस है, इसके बाद स्केटरिंग वाला केस लेते हैं, और लास्ट में डोपिंग वाला केस लेते हैं। डोपिंग बढ़ाने पर मोबिलिटी क्या होती है, घटती है। आपको तीनों केस ध्यान रखना है, इंसुलेटेड ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो है मास एक्शन लॉ, दैट इज एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन और पी। एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन है, पी यहाँ पे होल की कंसेंट्रेशन है। इस पर भी रिलेटेड फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। एन आई यहाँ पे इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसके एक अनदर फॉर्म भी है तो आपको ध्यान रखनी है, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ओ टी क्यू ई की पावर माइनस ई जी नोट बाई के टी। जब यहाँ से अपन स्क्वायर हटाते हैं तो रूट एन ओ टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई जी नोट बाई 2 KT आता है। यहाँ से एन आई जो है वो टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आता है। डी एन बाई डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है डी एन बाई डी पी, जर्मीनियम के लिए होती है 2.1 और सिलिकन के लिए होती है 2.6 होती है। इसके बाद मैंने जैसा कि आपसे कहा था मैं डायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर के आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो जो इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं आर्सेनिक, गैलियम, इंडियम, फास्फोरस, और जो डायरेक्ट बैंड आएंगे उसमें आएंगे सिलिकन और जर्मेनियम। सिलिकन और जर्मेनियम आप ध्यान रखिए दोनों डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगला रिलेशन ध्यान रखना है वो है कंडक्टिविटी का, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन पी क्यू म्यू पी, ठीक है। कंडक्टिविटी जर्मेनियम के केस में सिलिकन के कंपेरिजन से ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद आपको जो अगले फॉर्मूले ध्यान रखना है वो है जनरेशन रेट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की जनरेशन रेट होती है डी पी बाई डी टी, डी एन बाई डी टी, और होल के लिए आएगी डी पी बाई डी टी, और आपको ये रिलेशन भी इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि ग्रुप थर्ड एलिमेंट बताओ, एक्सेप्टर एटम कौन से होते हैं या फिर ट्राईवेलेंट एटम कौन कौन से हैं। तो उनके एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, और पेंटावेलेंट या फिर डोनर एटम के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो वो होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगला फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डिफ्यूजन का, एल इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ डी इंटू टू। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं डिफ्यूजन करंट डेंसिटी पे, जिसका फॉर्मूला होता है जे डिफ्यूजन इक्वल टू क्यू डी एन डी एन बाई डी एक्स। ये तो इलेक्ट्रॉन के केस में है और ये होल के केस में है, तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है। इसकी यूनिट भी आप ध्यान रख लीजिए, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी दैट इज एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। डेंसिटी गिवन हो तो आपकी इसके हेल्प से करंट भी निकाल सकते हैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, दैट इज एन ए प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी। इलेक्ट्रॉन के केस में एक्सेप्टर एटम नहीं होते हैं तो जो एन होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एन डी प्लस पी के इक्वल हो जाता है। सेम ऐसे ही होल के केस में डोनर एटम नहीं होते हैं तो पी किसके इक्वल हो जाए, एन ए प्लस एन के इक्वल हो जाता है। आपको दोनों रिलेशन भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपको कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू भी ध्यान रखनी है, दैट इज एन इज इक्वल टू एन आई अंडरूट ऑफ म्यू पी बाई म्यू एन, पी इज इक्वल टू एन आई म्यू एन बाई म्यू पी। सिग्मा मिनिमम जो होती है वो होती है 2NQ हंड्रेड ऑफ म्यू एन एंड म्यू पी। म्यू एन यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू पी यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स है। इसके बाद जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो है ये ग्राफ कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। तो स्टार्टिंग में तो जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं 300 केल्विन तक, तब तक तो टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल रहती है। एन टी सी ऑफ आर होता है मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ आर होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है घटता है। इसके बाद अगर अपन और टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं तो फिर इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। फिर क्यूरी टेम्परेचर के बाद इसकी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इंट्रिंसिक की तरफ बिहेव करता है और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगला फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है लीकेज करंट का ध्यान रखना है। दीदी आपको आई नोट टेम्परेचर T2 पे निकालनी हो तो उसके वैल्यू क्या होगी, आई नोट T1 टू की पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 10। यदि हम 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज करते हैं जो आई नोट में कितना चेंज हो जाएगा, 7% से। और यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आइनोटिक सेमी कंडक्टर, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि फर्मी लेवल कहाँ एग्जिस्ट गिवन बैंड के बीच में अबव या नीचे, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। EF क्या होता है, E ऑफ C प्लस E ऑफ V, C यहाँ पे कंडक्शन के लिए है, V यहाँ पे वैलेंस के लिए है, डिवाइड बाय 2 माइनस KT ln NC अपॉन NV, ठीक है। तो जो NC है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, T की पावर 3/2, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगला फॉर्मूला ध्यान रखना है वो EG इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज़ 1.24 लैम्डा म्यू एम होता है, आपको ये फॉर्मूला भी इसमें ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो अगली है PN जंक्शन आता है आपके लिए, PN जंक्शन आपको क्या ध्यान रखना है, जो PN जंक्शन में जो विड्थ होगी, विड्थ क्या होती है, डोपिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और जो बेरियर वोल्टेज होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यदि हम डोपिंग बढ़ाएंगे तो विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद आपको ये रिलेशन और ध्यान रखना है, एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी एन ए ई की पावर माइनस ई जे नॉट बाई के टी। ठीक है, यदि सेमीकंडक्टर पी एन प्लस टाइप का होगा तो जो विड्थ होगी वो पी टाइप के केस में ज़्यादा होगी कंपैरिजन विद एन टाइप। यदि पी एन टाइप का होगा तो उसमें दोनों की विड्थ इक्वल होगी। यदि पी प्लस एन टाइप का होगा तो इलेक्ट्रॉन वाले केस में उसकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जिसकी विड्थ मैक्सिमम होती है वो कहाँ पर होती है, एट डब्ल्यू बाई टू पर होती है। इसकी पीक वैल्यू भी आप इसमें ध्यान रख लीजिए। इसके बाद जो आपको अगला इसमें ध्यान रखना है, डायोड कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होता है वो डोपिंग के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये विड्थ के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है करंट का, दैट इज़ आई इज इक्वल टू आई एस, यहाँ सेचुरेशन करंट ही है, ई की पावर वी बाई नीटा वी टी। यहाँ पर नीटा की वैल्यू जर्मिनियम के केस में 1 होती है और सिलिकॉन के केस में 2 होती है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यह आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, सिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, मेन तो इसमें आपको गेन ध्यान रखना है कि गेन क्या होता है, दैट इज़ आई सी अपॉन आई होता है, कलेक्टर वोल्टेज अपॉन कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट होता है। एक्टिव मोड के लिए आई सी की जो वैल्यू होती है वो होती है एल्फा आई प्लस आई नोट, और आई सी की जो वैल्यू होती है बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई बी नोट। इसमें अपन मोस्टली बीटा की वैल्यू 100 कंसिडर करते हैं। यदि आपको बीटा गिवन हो तो एल्फा भी पूछा जा सकता है और गामा भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों रिलेशन इसमें ध्यान रखने हैं, ये आपसे आस्क किया जा सकता है। एल्फा बीटा गामा में भी ये रिलेशन होता है कि गामा बीटा से बड़ा है और बीटा एल्फा से बड़ा है। आपको गिवन हो कि रिवर्स बायस में 4 हो जाए तो आपको बताना है उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है या फिर वो किस मोड में हो सकता है। ठीक है, तो यदि वो रिवर्स बायस में हो, ठीक है, एमिटर और कलेक्टर वाला भी रिवर्स बायस में हो तो ये कट ऑफ मोड में होगा और इसकी एप्लीकेशन क्या है, ऑफ स्विच है। यदि दोनों फॉरवर्ड बायस में हो तो ये सेचुरेशन में होगा सर्किट अपना और ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। यदि एक फॉरवर्ड बायस में हो एक रिवर्स बायस में तो ये एक्टिव मोड में काम करेगा और इसको अपन एम्पलीफायर के रूप में यूज़ में लेते हैं। और यदि एक रिवर्स बायस में हो और कलेक्टर वाला फॉरवर्ड बायस में तो रिवर्स एक्टिव करेगा, ये अटेन्यूएटर की एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपको बस ये ध्यान इसमें रखना है। एक दो चीज़ आप इसमें ये भी ध्यान रख लीजिए, जब आप बीजेडी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सेचुरेशन के केस में क्या होगा, वी सी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। सेफ ऑपरेशन कराने के लिए बीजेडी में जो वी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमेशा वी सी सी बाई टू से लेस देन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही रिलीज़ करूँगा, जिसमें मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ और फॉर्मूलाज भी कवर करूँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।